हाँ यू पी टी टी रिज़ल्ट डेट में हुआ बदलाव तो ये अपडेट आई है आपका रिज़ल्ट में चेंजमेंट हुआ है तो देखिए क्या है यूपी टेट दो हज़ार इक्कीस में शामिल होने वाले छात्रों का रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार और बढ़ गया है यानी आपको तेईस फरवरी को आपका आंसर की आनी थी उसके बाद पच्चीस को रिज़ल्ट आना था तो वो अभी नहीं आया हुआ है आगे दस मार्च के बाद ही आएगा तो देखिए क्या कहा जा रहा है यूपी टेड रिजल्ट 2021 फरवरी में नहीं किए जाएंगे घोषित बल्कि 10 मार्च 2022 के बाद ही रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं ठीक है ठीके? राज्य में जारी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी टे रिजल्ट स्थगित कर दिया गया यानी आपको जो रिजल्ट 25 फरवरी को आना था वो आपका डिले कर दिया गया है ओके तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये आप अब कयास लगा लगाए जा सकते हैं कि 10 मार्च के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा किसी भी डे आपका आ सकता है ओके ये आपकी वेबसाइट दी गई जब भी आएगा इस वेबसाइट परीक्षा परीक्षा नियामक प्राधिकरण अन, अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र में अनामिका अन्याम, ने चिंता व्यक्त की है, इन्होंने चुनाव आचार संहिता के चलते मुख्य चुनाव की अध्यक्षता में पंद्रह फरवरी को ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टीटी के नतीजे न, नतीजों को टालने की सिफारिश की थी तो देखिए जो आपकी डेट पच्चीस को थी वो टाल दी गई इसकी सिफारिश की थी अनामिका जी ने तो वो आपको वही कहा जा रहा है ठीक है आगे देखिए क्या है ये तो आपका आ, ये एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है क्योंकि डेट टे, तेईस फरवरी 2022 को प्राथमिक स्तर पर एक से पाँच तक के लिए माध्यमिक छः से आठ तक के लिए आयोजित की गई थी और परीक्षा में शामिल होने के लिए इक्कीस लाख स्टूडेंट्स थे इन्होंने आवेदन किया था जिनमें कि से अठारह लाख से अधिक उम्मीदवार उन परीक्षा में उपस्थित थे यूपी डेट के उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा एक से पाँच तक और उच्च तो माध्यमिक छः से आठ तक कक्षाओं के लिए भर्ती के लिए योग्यता थी ठीक है ये आपको बताया गया है तो आप परेशान मत होइएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए आप एग्ज़ाम आपने अगर दिया है तो रिजल्ट भी आपका आ जाएगा ठीक है तो आप परेशान मत होइएगा जैसे भी कोई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में